तो फ्रेंड्स हम स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रोलिंग, और उसमें हम सीख रहे हैं बेसिकली टाइप 7 प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर इन अ प्लेट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि न्यूट्रल पॉइंट इन न्यूट्रल प्लेन एक्चुअल में है क्या। जो रोलिंग का जो प्रोसेस है, इधर से प्लेट आ रही है, ठीक है, इधर से प्लेट बाहर जा रही है, ये चीज। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मास या जो वॉल्यूम, अगर हम डेंसिटी एज्यूम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, तो जो वॉल्यूम रोलर्स के अंदर जा रहा है वही वॉल्यूम रोलर्स से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो वॉल्यूम मटेरियल का रोलर्स के बीच में जा रहा है उतना ही वॉल्यूम रोलर्स में से बाहर निकल रहा है। तो पर सेकेंड कह रहे हैं, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम रोलर्स के अंदर जा रहे हैं। सपोज इनलेट थिकनेस इज T1 एंड एग्जिट थिकनेस इज T2, जो विड्थ है विड्थ दैट इज यहां पर है W2, और इधर जो विड्थ है दैट इज W1, और इनलेट पे वेलोसिटी है V1, एग्जिट पे है V2। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड कितना अंदर जा रहा है W1 T1 V1, वॉल्यूम कितना बाहर निकल रहा है दैट इज W2 T2 V2, ये। और ये क्या होगा, ये बराबर होगा। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस इन रोलिंग, होता क्या है कि जो विड्थ होती है प्लेट की रिमेन्स कॉन्स्टेंट। रोलिंग में हम करते क्या है कि जो थिकनेस है वो रिड्यूस करती है, थिकनेस जो है वो रिड्यूस कर रही है, और लेंथ या वेलोसिटी कहिए वो बढ़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली विड्थ अगर दोनों में, दोनों इनलेट और एग्जिट पे अगर सेम है, तो W1 और W2 ये बराबर हो जाएगा, जिससे हमारे पास रिलेशन आ जाता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V1 क्या है, इनलेट वेलोसिटी, V2 है एग्जिट वेलोसिटी, T1 है अंदर जो प्लेट जा रही है उसकी थिकनेस, T2 जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी थिकनेस। ठीक है, तो इस रिलेशन की मदद से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं मतलब इनलेट और एग्जिट पे, मतलब एक वेलोसिटी हमें दे रखी है हम दूसरे निकाल सकते हैं अगर हमें थिकनेस इनिशियल और फाइनल मालूम है तो। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम एक चीज जज कर सकते हैं, और वो क्या है कि जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी थिकनेस उसकी कम है, T2 कम है, T1 ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि V1 की वैल्यू कम है और V2 की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, V1 की वैल्यू कम है और V2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्लेट जिस स्पीड से अंदर जा रही है बाहर उससे ज्यादा स्पीड से निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वैसे ही रैंडमली कुछ नंबर्स कोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज कीजिए जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, और जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इट इज 30 मीटर्स पर मिनट। समझ आ रहा है, मतलब प्लेट जो अंदर जा रही है वो मोटी है, उसकी वेलोसिटी कम है, जो प्लेट बाहर निकल रही है वो पतली है पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी हमने कितनी बोली है 25, और ये जो क्रॉस सेक्शन बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी है 30, और बीच में प्लेन्स पे क्या हो रहा है, बीच में प्लेन्स पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर क्रॉस सेक्शन पे इंक्रीज कर रही है। यहां पर 25 है, फिर 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है राजीव, बेसिकली हम मेटल फॉर्मिंग पढ़ रहे हैं, रोलिंग पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स, और मतलब मेरे लिए हर न्यूमेरिकल एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की और सिखाने की। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितना रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं हम करेंगे। दिस इज द मास्टर प्रॉब्लम, हम जो कुछ भी मतलब नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर क्रॉस सेक्शन पे क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब एक और भी चीज पिक्चर में आती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर। ठीक है, तो यहां पर ये रोलर है, रोलर ठीक है, ये घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या तो आपको क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा होगा या फिर आरपीएम एन दे रखे होंगे। इस रोलर का आपको रेडियस दे रखा होगा, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर ये क्या होता है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर। वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर ठीक है, ये क्या होता है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द रोलर, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या चीज है, ये जो रोलर की वेलोसिटी ये कहीं प्लेट की इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी के बीच में लाई करती है, बीच में। ठीक है, मतलब सबसे कम क्या है प्लेट की इनलेट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा क्या है प्लेट की एग्जिट वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ रोलर इनके कहीं बीच में लाई करता है। सो द ऑर्डर इट इज समथिंग लाइक दिस, सबसे कम इनलेट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा एग्जिट वेलोसिटी, रोलर की वेलोसिटी उसके बीच में लाई करती है।
जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए मतलब v1 की वैल्यू अगर 25 है, एग्जिट वेलोसिटी अगर 30 है, तो मे भी शायद रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूं मैं, मे भी शायद रोलर की वेलोसिटी हो सकता है 28 मीटर्स पर मिनट हो, ठीक है। मतलब द थिंग इज कि जो रोलर की वेलोसिटी वो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में लाई करती है। अब जब यहां तक पहुंच गया, यहां तक मैंने आपको चीजें बता दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आपको एक दो चीजें और बता देनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक अगर मैंने आपको बता दिया है कि रोलर की वेलोसिटी प्लेट की इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी के बीच में लाई करती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, यहां पर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, यहां पर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, जोन्स, ठीक है। ये प्लेट अंदर आ रही है, ये प्लेट यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, ये यहां दिस इज कॉन्टैक्ट, ये पूरा यहां पे कॉन्टैक्ट है, तो जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर है इट वॉज हमने दिया था 25, यहां पर है 30, ठीक है, और यहां पर इधर सपोज कीजिए इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी है 28, और रोलर के सरफेस की वेलोसिटी कितनी है 28, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन बड़ा ही खास क्रॉस सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। इस क्रॉस सेक्शन की खास बात क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन पर रोलर के सरफेस की वेलोसिटी और प्लेट की वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शन पर क्या है, सेम होती है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का स्लिप नहीं हो रहा, ठीक है। दिस क्रॉस सेक्शन इज व्हाट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। समझ आ गया आपको ये चीज, क्लियर हो गई। तो न्यूट्रल पॉइंट क्वेश्चन के अंदर भी है ये, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट है। इसकी खास बात क्या है कि इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन पर प्लेट की वेलोसिटी रोलर के सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अब इससे पहले वाला ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर प्लेट रोलर के कंपैरिजन में स्लो चल रही है। रोलर के सरफेस की वेलोसिटी है 28, पर यहां पर प्लेट की क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी कितनी है, 25, 26 या 27, लाइक दैट। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। यहां पर इस क्रॉस सेक्शन के बाद देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, रोलर की वेलोसिटी 28 है पर प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा है, मे बी 29.5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस हिस्से के अंदर प्लेट पीछे रह जाती है, पीछे लैग कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड लैगिंग जोन, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो प्लेट है वो आगे निकल जाती है, वो लीड कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीडिंग जोन, ठीक है। तो जो ये न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन है, ये इस हमारे इस पूरे जो मतलब टच कर रहा है जो हिस्सा, उसे दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो जोन्स में डिवाइड कर रहा है, एक लैगिंग जोन, एक है लीडिंग जोन। स्लिप हो रही है दोनों सरफेसेस घिस रहे हैं, एक में प्लेट स्लो चल रही है, तो वो प्लेट रिलेटिवली पीछे की तरफ रह जाती है, पीछे की तरफ स्लिप करती है, सो दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड स्लिप, ठीक है। जो लीडिंग जोन है उसके अंदर प्लेट की स्पीड ज्यादा है, स्लिप कर रहे, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं पर रोलर धीरे चल रहा है, प्लेट तेज चल रही है, तो प्लेट स्लिप कर रही है आगे की तरफ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉरवर्ड स्लिप। समझ आ रहे, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये वाला जोन, इसके अंदर रोलर तेज चल रहा है, प्लेट धीरे चल रही है, प्लेट पीछे रह जाती है रिलेटिवली, ठीक है, तो प्लेट स्लिप कर रही है पीछे की तरफ, सो दैट इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, बैकवर्ड स्लिप, ठीक है, स्लिप। और जो ये वाला जोन है लीडिंग जोन, इसके अंदर प्लेट आगे निकल जाती है, फॉरवर्ड की तरफ स्लिप करती है, सो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ठीक है। तो ये बैकवर्ड स्लिप आ गए, अब इनकी वैल्यूज भी फॉर्मूले में डिफाइंड है। इस जोन के अंदर रोलर की वेलोसिटी ज्यादा है, प्लेट की इनलेट वेलोसिटी कम है, तो बैकवर्ड स्लिप का फॉर्मूला क्या है, vr वेलोसिटी ऑफ रोलर माइनस एंट्री वेलोसिटी डिवाइडेड बाय vr, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैकवर्ड स्लिप। v1 कम है, वेलोसिटी ऑफ रोलर ज्यादा है, यहां पर एग्जिट वेलोसिटी रोलर की ज्यादा है, प्लेट की ज्यादा है, तो फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस vr डिवाइडेड बाय vr, ये vr, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड स्लिप, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड स्लिप। भाई मतलब मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका मन चाह रैंक मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा,
मैं कह रहा हूँ मन चाह रहा है तो मिल जाएगा, जो चाहते हो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कर रहे हो। एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से कि यार ये हो जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एक वो है स्टूडेंट जो उस क्वेश्चन को निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट है जो उस क्वेश्चन को निकलने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको भी डिराइव कर रहा है। और एक वो स्टूडेंट है जो उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी वो क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीजों को वो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये लास्ट वाला जो होता है ना जिसमें आप सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे स्टूडेंट्स अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लें दे विल गेट देयर डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी उन्हें चाहिए रिजल्ट वो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मैं इसी तरह से पढ़ता था और मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो चीज आ रही है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम उनको हम अपने आप को उन सभी चीजों के अंदर एक्सेल कर लेते हैं, मास्टर बना लेते हैं, एग्जाम आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझा रहे हैं यहां तक? तो मैंने आपको सारी राम कहानी सारी समझा दी है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन भी अगर आप देख लो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। इन्हें रोलिंग प्रोसेस की प्रॉब्लम आया था प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के गेट में 2008 में, अबाउट 2 मार्क्स। In a rolling process, the thickness of strip is reduced from 4 mm to 3 mm. Rolling process हो रहा है. Initial thickness है 4 mm, final thickness है 3 mm. Using a 300 mm diameter roll. 300 mm diameter roll. तो roller का diameter कितना है? 300 mm. उसका radius कितना होगा? That will be 150 mm. उसका half हो जाएगा. ठीक है? Rotating at 100 rpm, the velocity of strip, strip की velocity निकालनी है meters per second में at neutral point. ठीक है? न्यूट्रल पॉइंट पे आपको स्ट्रिप की वेलोसिटी निकालनी है न्यूट्रल पॉइंट पे, और किस यूनिट में? मीटर पर सेकंड में निकालनी है, ठीक है। अब मजे की बात है कि न्यूट्रल पॉइंट पे जो हमारी प्लेट की स्ट्रिप की वेलोसिटी है वो बराबर होती है रोलर की सरफेस की वेलोसिटी के, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर, और वो क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है क्या? 300 mm डायमीटर है, 150 mm रेडियस हो जाएगा, और ये 150 mm ये mm में है, हमें आंसर निकालना है मीटर्स के अंदर, ठीक है। तो रेडियस हम मीटर्स में पुट करेंगे तो रेडियस क्या होगा? दैट विल बी 0.150, ये मीटर्स आ गया, अब आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। अब ओमेगा हमें पुट करना है रेडियंस पर सेकंड में, पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2πn/60, ठीक है। एक पूरा सर्कल होता है 2π रेडियंस का, तो n rotations कितने radians होंगे? 2πn, पर ये radians per minute है तो divided by 60, ये क्या आएगा? radians per second, ठीक है। तो it will give us 2π into n, rpm है 100 divided by 60, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं 2π multiplied by 100 divided by 60, ठीक है। तो आइए देखते हैं solve करके हमारे पास क्या answer आ रहा है। So it is 0.150 multiplied by 2 multiplied by pi multiplied by 100 divided by 60. So the answer is 1.5707 meters per second. So friends, that's how we solve this, such a simple problem.